रह करके जो काम किया वो आज तक जो है किसी भी राज्य की सरकार ने नहीं किया। आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो गरीबी सबसे बड़ा दुश्मन है। आपका अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो महंगाई है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से हम लोगों को मिलकर के लड़ना है। और जिस तरीके से भगवान इंद्र को घमंड हो गया था अपने शासन पर, उसी तरीके से मोदी जी और नीतीश कुमार जी को घमंड हो गया है। अब बैठे हुए सरकार में जो लोग हैं उनके मुंह से बहुत से बेरोजगारी नहीं निकलता है, घर से गरीबी नहीं निकलता है, बहुत से महंगाई नहीं निकलता है। बताइए आप लोग सब लोग बिजली बिल से तबाह है कि नहीं है, प्रीपेड मीटर से तबाह है कि नहीं है। आप लोग बता, जितना जमीन सर्वे हुआ आप लोग सब लोग परेशान हुए कि नहीं हुए? आप लोग वोट दिए थे अच्छे दिन के लिए कि परेशान होने के लिए? यहाँ डबल इंजन है, पता नहीं कौन इंजन क्या काम कर रहा है। डेली अपराध बढ़ता जा रहा है, हत्या, लूट, डकैती हो रहा है। एक इंजन अपराध में लगा है तो दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। डेली पुलपुलिया थाना ब्लॉक चले जाओ, बिना कुछ दिए हुए चढ़ावा चढ़ाए हुए काम नहीं होता है। सही बात है कि नहीं है? कोई गरीब किसान का बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है। सब अधिकारी, सब लोग जो सरकार में बैठे हैं सब मस्त मौला हो चुके हैं। और झूठों के यहाँ शराबबंदी है, होम डिलीवरी हो रहा है, सब लोग मस्त। क्या क्या नहीं हो रहा है वो सब आप लोग जान रहे, कितना खेला हो रहा है। लेकिन जेलवा जाएगा तो गरीब में जाएगा, घूसवा देगा तो गरीब में घूस देगा। अब गरीबी, अब बेरोजगारी, अब महंगाई सहेगा तो गरीब में सहेगा। इन सरकार में बैठे हुए लोगों का घमंड हम लोगों को चूर चूर करता है। आपने अपने भाई को, तेजस्वी को 17 महीने हमको मौका मिला, हम तो 20 में वादा किए थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो। लेकिन 4-5 सीट बेईमानी कर लिया लोग, हमको बनने नहीं दिया। लेकिन फिर भी बाद में जब चाचा होने से पलटे हैने आए तो हम बने, तो उप मुख्यमंत्री बने, तब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया, 3 लाख अभी भी प्रक्रियाधीन है पाइपलाइन में। तेजस्वी था तो 3 महीनों में झटपट फॉर्म निकला, विज्ञापन निकला और हाथ में डिग्री आ गया, हाथ में सर्टिफिकेट आ गया। लेकिन जब तेजस्वी बाहर निकला तो पेपरवे लीक हो गया। बताओ अरे भाई क्या राज है, जब तेजस्वी रहता है तो पेपर लीक नहीं होता कोई परीक्षा का, लेकिन जब तेजस्वी सरकार से बाहर हो जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। कितना मेहनत आप लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई, तैयारी, कोचिंग वोचिंग सब लोग करता है, देह बनाता है पुलिस में, इधर उधर, एक पेपर बता दो जिसका पेपर लीक ना हुआ नीतीश जी के राज में। और सजा किसको मिली? सजा किसी को नहीं मिली। जो बेईमान लोग है उसको सजा नहीं, उसको प्रमोशन मिलता रहा है। ये सरकार है, इसलिए देखिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए। और तेजस्वी वादा करता है कि एक बार हाथ मजबूत करोगे तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। कितना यूनिट फ्री में बिजली मिलेगा? सभी किसान भाई का कर्ज माफ होगा कि नहीं होगा? सबका कर्ज माफ किया जाएगा।
और 10 लाख नहीं, जितना बहाली हो सकेगा कम से कम 10 लाख तो हो गई होगा, उससे बेसी हम लोग कराने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।